धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक पाप बुद्धि और एक धर्म बुद्धि दोनों में बहुत दोस्ती था। पाप बुद्धि दिन भर में बिना पाप किए हुए उसको चैन नहीं आता था, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पाप जरूर करता था दिन भर में। और धर्म बुद्धि काम था किसी को मदद करना, कभी वह गलत काम नहीं किया। धर्म बुद्धि सच्चाई रास्ते पर चलता रहा, लेकिन पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों में बहुत घनिष्ठ दोस्ती था। एक दिन की बात हुआ, पाप बुद्धि ने सोचा कि चलो हम अपना यार के साथ जरा सैर कर लेते हैं। वह पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास गया, कहा कि यार, आपने अभी तक कहीं कोई धाम नहीं घूले हैं, चलिए हमारे साथ कोई धाम घूलने के लिए, क्योंकि अगर आपके पोता पोती बाल बच्चा अगर पूछेगा कि पापा जी कहीं धाम घूले हैं, तो कहेगा कि नहीं घुले हैं, इसलिए चलिए हम आपको घुला देते हैं धाम, चलिए धाम घुलने के लिए चलिए। धर्म बुद्धि को यह बात यार को बहुत अच्छा लगा। धर्म बुद्धि ने सोचा कि हमको यार अच्छा काम तो बता रहा, कहे ठीक है यार, चलिए घुलने के लिए कल प्लान बनाया जा। धर्म बुद्धि ने और पाप बुद्धि ने दोनों मिलकर, दोनों दोस्त मिलकर के चल दिए किसी दूसरे धाम घूलने के लिए। जैते जैते जब पहुंचते हैं धाम पर, वहां पर धर्म बुद्धि की बदौलत, धर्म बुद्धि के सहायता से पाप बुद्धि ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, ढेर पैसा हो गया। तब पाप बुद्धि कहते हैं धर्म बुद्धि से कि यार, हम लोग तो बहुत अच्छा पैसा कमा लिए हैं, ढेर पैसे हो गया है, चलिए अब हम लोग का घर चलना है। वहां से दोनों यार ने वहां से निकल दिया। जब निकल जाता है, जाते 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 जब बीच रास्ता में पहुंचता है, जंगल में पहुंचता है, तो कहता है यार, अगर इतने धन संपत्ति लेकर जाएंगे, इतने पैसे लेकर जाएंगे, तो गांव जवार के लोग कहेगा कि इतना पैसा कहां से लाया, इसलिए यार इस पैसा को हम लोग इस जंगल में छिपा देते हैं और काम भर यहां से पैसा को लेते चलिए, जब पैसा की जरूरत होगा दोनों मिलकर आकर के पैसा निकाल लेंगे। यह बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, हाँ यार, आप तो बहुत अच्छा बता रहे हैं उपाय, कहां पैसा को रखा जाए। तो कहे यार, इसी जंगल में चलिए हम लोग जा गाड़ देते हैं वो पैसा को। दोनों मिलकर के, दोनों दोस्त मिलकर के पैसा को जंगल में गाड़ देता है। गाड़ने के बाद वहां से दोनों यार वहां से चल देता है। जाते जाते अपने घर पर पहुंचता है। जब कुछ दिन बीतता है, तब पाप बुद्धि ने क्या काम करता है कि जाता है अकेले और जंगल में से जो पैसा गाड़ा था, पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को तो जानकारी था, दो ही आदमी देख जा रहे थे। पाप बुद्धि ने क्या किया, सारा पैसा को वहां से निकाल लिया और निकालने के बाद वहां पर ही जो कि अथल पत्थल कंकड़ फंकड़ उस गड्ढे में डाल दिया और डालने के बाद वहां से सारा पैसा लेकर चला आता घर पर। घर पर आने के बाद वह जाता है अपने दोस्त के पास, धर्म के पास जाता है, धर्म बुद्धि के पास। कहता है यार, जो हम लोग पैसा लाए थे, हमारा पैसा सारा समाप्त हो चुका है, चलिए हम दोनों मिलकर चलिए कल पैसा को वहां से ले आया जाए, क्योंकि हमको पैसा का जरूरी है। तो ठीक है यार, ऐसा बात है, ठीक है कल चला जाए। दोनों मिलकर के वहां से निकल जाता है। धर्म बुद्धि किसी छल कपट आदमी नहीं था, सच्चाई आदमी था, धर्म के रास्ता पर चलता था। वह क्या काम किया, वहां से जाता है, जब जाता है
जंगल में पहुंचता है। वहां पर जब जहां पर पैसा को रखे हुए था, संपत्ति को रखे हुआ था, वहां जब खोदता है तो वहां सीधे ईटा पत्थर निकलता है। तब पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहता है, यार सारा पैसा तूने ले गया है, पैसा कहाँ गया? आपके सिवा तो कोई देखा नहीं था। जब इतना बात धर्म बुद्धि ने सुनता है, उसको मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। पाप बुद्धि कहता है धर्म बुद्धि से, यार हमको आधा पैसा चाहिए, अगर नहीं दिया तो मैं न्याय के सहायता लूंगा, न्याय के सहारा लूंगा। धर्म बुद्धि ने कहा ठीक है, चलिए न्याय में, चलिए न्यायाधीश से मिलने के लिए। जब न्यायालय में जाता है, न्यायाधीश से मिलता है, अपना सारा दिक्कत दोनों मिलकर के बताता है। दोनों के बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को सजा दे देता है। उसको कहता है, उसको 50 कोड़े मारने के आदेश देता है। उसके बाद उसको जेल में बंद करने का आदेश देता है। तब पाप बुद्धि ने कहता है कि न्यायाधीश जी, हम अगर गलत है तो जहां पेड़ के पास जो गाड़े थे संपत्ति को, पेड़ तो वहां पर छाछात अभी हाजिर है, पेड़ तो झूठ नहीं बोल सकता है। चलिए मैं पेड़ से पूछते हैं, पेड़ असलियत रूप जरूर बता देगा, पेड़ तो देखा होगा कौन ले गया है। कहे ठीक है, कल चला जा दोनों मिलके। तब पाप बुद्धि ने कहता है न्यायाधीश से, सरकार हमें 1 दिन का मोहलत चाहिए। कहे ठीक है, कल के अगला दिन चला जाए। और क्या करता है पाप बुद्धि ने, घर पर आता है, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी जो संपत्ति हमने लाए हैं, अगर संपत्ति को बचाना चाहते हैं, हमको प्राण को बचाना चाहते हैं, तो आप जाइए, बताते हैं उस आम के खोलान में, पेड़ के खोलान में आपको रहना है। जब पूछेगा तो आपको कहना है कि धर्म बुद्धि ने पैसा को लगिया है। इतना बात सुनकर बेटा को, जब इतना बात सुनता है तो बाप राजी हो जाता है। और कल होकर के जैसे जिस तरह से बताया था, बेटा जाकर के उस पेड़ में जाके खोहन में घुस जाता है। न्यायाधीश और पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि तीनों मिलकर वहां चल देते हैं। जाते जाते वो जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद जब न्यायाधीश पूछते हैं, हे पेड़ बताओ, किस आपके पेड़ के नीचे जो पैसा गाड़ा हुआ था, किसने चुराया है? तब पेड़ से आवाज निकलता है कि बुद्धि, धर्म बुद्धि ने पैसा को चुराया है। यह बात जब सुनता है तब धर्म बुद्धि न्यायाधीश से कहना लगता है कि हुजूर, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक बात आपसे बोलना चाहते हैं। न्यायाधीश कहता है ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो? कहे ठीक है, हमको जो सजा देना है दे दीजिएगा, लेकिन हमको सजा देने से पहले हमको इस पेड़ को जलाने को आदेश थोड़ा दे दीजिए, पेड़ को जला लेंगे, उसके बाद जो हमको सजा देना है दे दीजिएगा। न्यायाधीश कह रहा है ठीक है, जाओ अपना इच्छा को पूरा कर लो। जब इतना बात सुनता है तो धर्म बुद्धि ने क्या करता है कि पेड़ के ऊपर किरासन का मिट्टी का तेल छिड़ जाता है। उसके बाद में उसके गोठा चारों तरफ देख करके उस पेड़ में आग लगा जाता है। जैसे ही पेड़ में आग लगता है तो अंदर से जो पाप बुद्धि का जो बाप था अंदर छिपा हुआ, वो चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे जान जा रहा है। इतना बात सब सुनता है, लोग कहता है, लगता है कोई बोल रहा है। तो पेड़ के खोल में से उसको निकालता है तो देखता है कि पाप बुद्धि का बाप तो जलकर मर गया है। जो इतना जब न्यायाधीश ने देखता है कि पाप बुद्धि का बाप है, यह राज जानने के बाद न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को
मृत्यु दंड देने के लिए ऑर्डर देता है, जिसको मृत्यु दंड दिया जाए। और यह धर्म बुद्धि खुशी खुशी पूर्वक वहां से घर के लिए चल देते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा, इससे क्या शिक्षा मिला, अगर कुछ शिक्षा मिला है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और इस तरह का अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।